नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 11। चौथे चरण में 9 राज्यों की कुल 72 सीटों पर मतदान संपन्न हो गए हैं और इसमें बिहार की 5 सीटें शामिल है, जिसमें उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा और मुंगेर की सीटें शामिल है, जहां शाम के 6 बजे मतदान खत्म हो गया है। इन 5 सीटों पर कुल मिलाकर 66 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिनमें से 63 पुरुष मत यहां पर उम्मीदवार थे, वही 3 महिला उम्मीदवार भी शामिल है। आपको बता दें कि अगर मत प्रतिशत की बात करें तो शाम के 6 बजे तक चौथे चरण में बिहार की 5 सीटों में जो मत प्रतिशत हुआ है, टोटल अगर मिलाकर बात करें तो 58.92% मतदान हुआ है। अगर बात दरभंगा की करें तो 56.68% मतदान हुआ है, वहीं उजियारपुर में 60.56% मतदान हुआ है। समस्तीपुर की बात कर ले तो 60.80 मतदान फीसदी यहां पर हुआ है। बेगूसराय में 61.27% मतदान हुआ है, वहीं मुंगेर की बात कर ले तो 55.38% मतदान हुआ है। आपको बता दें कि वोट परसेंटेज में इजाफा भी हुआ है और इस तरह से जो चुनाव आयोग के तहत बताया गया है कि काफी इजाफा भी हुआ है वोट परसेंटेज में। बात अगर बिहार में कर ले तो बिहार में 1.56% मतदान बढ़ा है पिछले 2014 की लोकसभा के अपेक्षा इन 5 सीटों पर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में दरभंगा जिले में अधिक से अधिक मतदान के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार थी और आपको बता दें कि यहां पर तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की गई थी। अगर बात कर ले यहां पर 84 जो बूथ संख्या थी उसको इको फ्रेंडली मतदान केंद्र के तहत बनाया गया था, जिसकी कमान महिलाओं ने संभाली थी। और इसके साथ ही यहां पर बता दें कि बूथ संख्या 85 का संचालन दिव्यांग मतदान कर्मियों ने किया और इसके साथ साथ ऐसी कई पहल इस बार चुनावी मैदान में दिखी, इस बार चुनाव आयोग के तहत दिखी, जहां पर पॉलिथिन को बैन दिखाया गया और प्लास्टिक के बैग को यहां पर बैन करने की अपील की गई और साथ ही साथ यहां पर जो कपड़े के थैले होते हैं उसको उपयोग करने के लिए भी उसके लिए भी तस्वीरें लगाई गई थी उसको, ताकि लोग जागरूक हो सके। बढ़ते अगली खबर की तरफ। इधर मुंगेर में भी मतदान संपन्न हो गया है और जानकारों के मुताबिक, आपको बता दें कि मुख्य रूप से यहां जदयू के राजीव रंजन और कांग्रेस प्रत्याशी नीलम देवी के बीच कड़ा मुकाबला बताया जा रहा था। हालांकि यहां पर काफी कुछ गहमा गहमी भी दिखी, कुछ वोटरों को तंग भी किया गया, ऐसी खबरें भी आई, पत्रकारों के साथ मारपीट की भी खबरें आई, हमने वो भी आपको खबरें बताई थी। मुंगेर में जिस तरह से बताया जा रहा है कि ललन सिंह जो जदयू के मंत्री हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, वो चुनावी मैदान में हैं, वहीं अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला बताया जा रहा था। आपको बता दें कि मतदान संपन्न हो गए हैं। वहीं अगर मुंगेर की हम बात करें तो मुंगेर में कुल मिलाकर आपको बता दें हम कि यहां पर जो वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो 55.38% मतदान। तो बिहार में जिन 5 सीटों पर चुनाव हुए हैं, संपन्न हुए हैं, इनमें 66 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिनमें से 3 महिला प्रत्याशी भी अपने भाग्य को आजमा रहे थे। उसमें से एक मुंगेर से भी नीलम देवी का नाम है जो इस चुनावी मैदान में थी और यहां पर अपने भाग्य को आजमा रही थी। हालांकि अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो बिहार में 1.56% यहां पर मतदान जो है वो बढ़ा है, इतने वोटर्स यहां पर अधिक अपने मत का प्रयोग किए हुए। और आपको बता दें कि लखीसराय से एक आपको ऐसी खबर आई थी जो हमने आपको बताया था, हम आपको बता दें कि लखीसराय के हलसी से यहां पर घोसवा जो गांव था वहां से ललन सिंह के समर्थकों ने बूथ उन पर कब्जा करने का आरोप लगा था और इसको लेकर जब पत्रकारों ने सवाल जवाब किया, जब पत्रकार इसको कवरेज करने के लिए गए उनके साथ भी मारपीट की गई। दबंगों ने एक निजी चैनल के पत्रकार को यहां पर पिटाई भी की और घायल पत्रकार ने बताया कि गड़बड़ी की आशंका होने के बाद जब वो कवरेज करने के लिए वहां पर गए तो उनके साथ मतदान कर्मी ने उनको जाने से रोका और बात करने लगे और उसके बाद आपको बता दें कि शिकायत करने पर पुलिस वालों ने साफ यहां पर उनसे कन्नी काट दिया, जिसके बाद वहां पर मौजूद उपद्रवियों ने उनके साथ मारपीट भी की। मुखिया थे और तमाम लोग थे, वो बार बार हमें जबरदस्ती कर रहे थे कि यहाँ से आप निकलिए, हो गया काफी, आप दूसरे जगह जाइए, आपका यहाँ रहने की क्या मतलब है आपको, और जबरदस्ती हमें किया जा रहा था, मेरे कैमरामैन को भी जबरदस्ती धक्का दिया जा रहा था। तब तक हमारी नजर कुछ पुलिस वालों पे पड़ी, हम उनसे अकेले बात करने लगे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सबको कहा है सर, एसपी को कहा, डीएसपी को कहा, सबको कहा, डीएम के पास हो गया, लेकिन कोई यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ बहुत अच्छे से बूथ मैनेज है और यहाँ जो मंत्री हैं ललन सिंह वो कैंडिडेट हैं, उनके लिए बूथ पूरी अच्छे से मैनेज किया गया है और किस तरीके से यहाँ सब कुछ हो रहा है। इतने देर में हम बातचीत ही कर रहे थे तब तक जो स्थानीय मुखिया थे वो आए, मेरे कैमरामैन को धक्का देने लगे, मैंने उस पर आपत्ति जताया कि ऐसे क्यों कर रहे हैं। तब तक उनके एक और
मित्र थे जो अचानक उन्होंने कहा कि आप गाली दे रहे हो और यही मौका देके वो हमारे साथ मारपीट शुरू कर दिए। बढ़ते अगली खबर की तरफ और अगली खबर बेगूसराय से है जो बिहार के लिए हॉट सीट थी और यहां पर अब मतदान संपन्न हो गया है। यहां अगर मत प्रतिशत की बात करें तो दूसरे जो पिछले साल या पिछले बार जो चुनाव हुए हैं उससे काफी ज्यादा यहां पर मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। बेगूसराय में अगर बात कर लें तो शाम 6 बजे तक 61.27% मतदान हुआ है और यहां डीएम कुमार राहुल कुमार के साथ साथ कांग्रेस विधायक अमिता भूषण तो वही सीपीआई आपको बता दे प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने बूथ संख्या 220 पर अपने मत का प्रयोग किया। और इसके बाद आपको बता दें कि तमाम जो यहां पर बूथ के लिए आदर्श केंद्र बनाए गए थे या फिर कन्हैया कुमार को हमने देखा कि वो लाइन में लग के अपने मत का उन्होंने प्रयोग किया। गिरिराज सिंह ने अपने मत का प्रयोग मुंगेर लोकसभा सीट पर उनका गांव आता है बढ़िया वहां पर जाकर किया और उसके बाद बेगूसराय पहुंचे वहां पर तमाम चीजों का जायजा लिया और उसके बाद अपने जितने भी उनके हक में आ रही थी जहां भी वो जाते थे वहां पर लोगों से अपील कर रहे थे या सबसे अपील की थी अपने मत देने के बाद कि आप मत का प्रयोग जरूर करें। इसको लेकर देखा गया कि बेगूसराय में काफी मत प्रतिशत ज्यादा बढ़ा। साहस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेगूसराय में क्या मतलब बेगूसराय में कर रहा है कि इस बार दल से नहीं प्रेम दिल से वोट करेंगे बेगूसराय को बचाएंगे। रही बात नेताओं के समर्थन की मैं कहता हूँ कि नेताओं का गठबंधन लोकतंत्र में जरूरी नहीं है, जनता का गठबंधन जरूरी है, जनता ने गठबंधन बनाया है। समस्तीपुर में भी सुबह से मतदान जारी था और उसको लेकर क्षेत्र के आपको बता दें कि कई मतदाताओं को यहां पर लिस्ट नहीं मिलने से मतदाता परेशान भी दिखे और वंचित भी हो गए। लोगों का आरोप है कि चुनाव आयोग की लाखों तैयारियां थी लेकिन इसके बाद भी स्थानीय बीएलओ की गलत रवैये के कारण यहां पर मतदान से लोग वंचित रह गए। वहीं आपको बता दें कि कई तरीके से जो किया जा रहा था मतदान के लिए जाने वाले थे लोग उनको भी यहां पर वंचित होना पड़ा। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इधर लखीसराय जिले के तेतरहट्टा यहां पर थाना क्षेत्र के महिसोना पंचायत में लोकतंत्र के चौथे चरण का मतदान खत्म हो गया है। आपको बता दें कि लोग सुबह से ही मतदान देने के लिए अपने लाइनों में खड़े दिखे और लोग इस बार मतदान को लेकर काफी उत्साहित थे और लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया और चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाई। पटना साहिब से कांग्रेस के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल किया। बता दें आपको कि पटना समाहरणालय में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष शत्रुघ्न सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। बता दें आपको कि शत्रुघ्न सिन्हा अपने दोनों बेटों के साथ नामांकन करने पहुंचे और पटना साहिब से कांग्रेस के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा का मुकाबला बीजेपी के रविशंकर प्रसाद से है। वहीं पटना साहिब से कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने नामांकन किया और इस दौरान शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थकों और मीडिया के बीच झड़प भी हुई। साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस के साथ भी कई बार झड़प हुई। आपको हम बता दें कि नामांकन के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने पुलिस जिप्सी का इस्तेमाल किया और इससे आचार संहिता के दायरे में वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर सदर SDPO ने कहा कि मामले की जाँच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर आचार संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। और पटना सिटी में निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व यहां पर नगर निगम पार्षद यहां पर गुफलेसा जो जबी है वो पटना साहिब लोकसभा सीट से अपना नामांकन दर्ज किया है। आपको बता दें कि नामांकन के बाद उन्होंने विकास हमारा मूल मंत्र ऐसा कहा है और साथ ही साथ दिग्गज पटना साहिब आएंगे और उसे मुंह की खानी पड़ेगी। आज एक अदना सी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैं नॉमिनेशन करने जा रही हूँ और आप लोग का प्यार और जनता का प्यार देख के यही लग रहा है हमको कि लगता है कि आज आगाज हो गई। ये आपको पटना लोकसभा का आज गरीबों के जनता के बीच का आगाज
जो मैंने चाहा था करना वो आज देख कर लग। और कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वहीं आपको बता दें कि पटना में बीजेपी का मीडिया प्रभारी राकेश सिंह ने कहा, लोकतंत्र में याचिका दाखिल करना सबका अधिकार है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो पार्टी को स्वीकार्य होगा। याचिका दायर करने का काम किया है। जब उनकी सत्ता होती थी देश में तो जवानों के सर काट के और उसका फुटबॉल खेला करते थे विदेशी पाकिस्तानी। आज पाकिस्तान को ये हिम्मत नहीं है कि हमारे जवानों की तरफ आंख दिखा के ये आंख भी दिखाए। जहानाबाद में तेज प्रताप यादव ने राजद के प्रत्याशी सुरेंद्र यादव का विरोध किया। आपको बता दें कि इसको लेकर उन्होंने लालू राबड़ी मोर्चा के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश के पक्ष में यहां पर प्रचार करते हुए लोगों से उनके पक्ष में वोट करने की अपील की। आपको बता दें कि इस मौके पर तेज प्रताप यादव ने राजद प्रत्याशी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी ने सुरेंद्र यादव को गलती से टिकट दे दिया है, जबकि सुरेंद्र यादव गरीबों की जमीन हड़पने का काम करते हैं। पार्टी क्या, पार्टी तो मेरा है, कार्रवाई क्या करेगी? पार्टी जब मेरा है तो पार्टी कार्रवाई क्या करेगी? जनता कार्रवाई करेगी ना, जो जिसको मिला है गलती से जनता उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। जनता मालिक है, हम तो जनता के नौकर हैं। चंद्र प्रकाश जी अब विकास करेंगे, यहाँ का विकास करने का काम करेंगे। नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई केस नहीं है। जिस कैंडिडेट को मिला तीन तीन बार से हार रहा उसको। और अगली खबर मुंगेर से, जहां एनडीए समर्थकों ने कांग्रेस प्रत्याशी नीलम देवी के समर्थकों के साथ मारपीट की है। ऐसी खबर आ रही है जिसमें एक लोहे की रॉड से चोट तो वहीं दूसरे के हाथ टूटने की भी खबर आ रही है। और फिलहाल दोनों को सदर अस्पताल में पहुंचाया गया है और दोनों का इलाज चल रहा है। एक हम लोग जा रहे थे भोज खाने के लिए, घर से आया और जो है मारने पीटने लगा। तो पूरे देश में 9 राज्यों की कुल 72 सीटों पर मतदान संपन्न हो गए हैं। और बात अगर झारखंड की करें तो झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 3 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो रहे थे और वो अब संपन्न हो गए हैं। आपको बता दें कि इसमें लोहरदगा, पलामू और चतरा की सीटें शामिल है। अगर इन सीटों पर मतदान प्रतिशत की बात कर लें, या पूरे तो 3 सीटें हुई हैं उन पर अगर मतदान प्रतिशत की बात कर लें तो तीनों सीटों पर मिलाकर 63.41% मतदान हुआ है। बात अगर चतरा सीट की करें तो चतरा सीट पर 62.06% मतदान या औसतन हम आपको बता रहे हैं। और लोहरदगा सीट की अगर बात करें तो 63.56% मतदान। अगर बात पलामू सीट की करें तो 64.35% मतदान हुए हैं। इस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि जो 3 सीटें झारखंड के जहां मतदान हुए हैं वहां पर इस तरह से वोटिंग परसेंटेज रहे हैं। अगर बात 2014 और 2019 के बीच का अंतर की हम कर लें तो तीनों सीटों पर आपको बता दें कि इस समय इस बार के चुनाव में मतदान काफी ज्यादा हुआ है। बात अगर हम चतरा सीट की करें तो चतरा सीट में 2014 की तुलना में इस बार 7.69% ज्यादा वोटिंग हुई है। अगर लोहरदगा की बात कर ले 2014 के मुकाबले 5.68% ज्यादा वोटिंग हुई है। अगर बात पलामू की करें तो 2014 की तुलना में यहां पर 4.97% ज्यादा वोटिंग हुई है। तो वोटिंग परसेंट में काफी इजाफा हुआ है। हालांकि इसके लिए भी चुनाव आयोग ने कई तरीके की जागरूकता अभियान चलाई थी और इसको लेकर यहां पर मतदान फीसदी बढ़ते हुए जरूर दिख रही है। और पलामू में बूथों पर ईवीएम मशीन खराब होने के कारण कई मतदान केंद्रों पर काफी विलंब से मतदान शुरू हुआ, जिसके चलते मतदाता मतदान यहां पर करने से नहीं दिखे और वो यहां पर बिना मतदान किए हुए ही वापस चले गए। हालांकि 6 मतदान केंद्र ऐसे बनाए गए थे, ऐसे थे जहां पर 4 घंटे विलंब से मतदान शुरू हुआ, लेकिन वहां पर मतदान जो करने आए थे उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया, लेकिन यहां पर मतदाताओं को काफी परेशानियां हुई और इसके लिए उन्होंने प्रशासन को दोषी भी ठहराया। लातेहार जिले में शांतिपूर्ण और शत प्रतिशत मात्रा में चुनाव मतदान को लेकर महुआ डाड यहां पर अनुमंडल पदाधिकारी सुधीर कुमार दास ने एसडीपीओ
रीतिभान सिंह के मतदान केंद्रों का दौरा किया और निरीक्षण किया, साथ ही साथ लोगों से अधिक मात्रा में वोट करने की अपील भी की। आपको बता दें कि इसके लिए मतदाताओं के साथ सेल्फी लेकर भी उन्हें प्रोत्साहित किया। तो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई तरीके से कार्यक्रम चलाए गए थे, उसके तहत सेल्फी लेकर भी मतदाताओं को जागरूक किया गया ताकि वो घरों से निकले और अपने मत का प्रयोग करें, और इसका असर साफ देखने को भी मिला। मत प्रतिशत में काफी वृद्धि हुई है। एक बार फिर से अगर हम आपको बता दें कि 2014 की अपेक्षा अगर 2019 की बात करें तो झारखंड की तीनों सीटों पर मतदान फीसदी में बढ़ोतरी हुई है। बात अगर हम चतरा की करें तो चतरा में 2014 की तुलना में इस बार जो 2019 में मतदान हुआ है वो 7.69% ज्यादा हुआ है। लोहरदगा की बात करें तो यहां पर 2014 की तुलना में 5.68% मतदान ज्यादा हुआ है, और पलामू की बात करें तो 2014 की तुलना में यहां पर 4.97% मतदान ज्यादा हुआ है। और झारखंड के पलामू में वोट अधिकार के महत्व को समझाने के लिए काफी तस्वीरें सामने आई, और यहां पांकी प्रखंड में यहां पर चिलचिलाती धूप में भी 94 साल के बुजुर्ग को लोगों ने खाट पर लेकर मतदान केंद्र पहुंचे और बुजुर्ग ने अपने मत का प्रयोग किया, और साथ ही साथ आपको बता दें कि मतदान करने के बाद बुजुर्ग बहुत खुश भी दिखे। बहुत बड़ा बीमारी है, बढ़ते अगली खबर की तरफ। इधर गोड्डा में महागठबंधन प्रत्याशी प्रदीप यादव ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिसके बाद वो अपने आवास से लेकर गांधी मैदान तक उन्होंने रैली निकाली, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि गोड्डा के मान सम्मान के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। कागज पर कुछ नहीं, केवल कागज पर ही बातें होती रही, धरातल पर कुछ नहीं हुआ, तो जरूरत को पूरा करने का हम वादा करते हैं। अब 10 वर्षों से जो लोगों ने देखा कि भाई हमारा प्रतिनिधि सपनों में भी नहीं आता है, दिन में तो छोड़ दीजिए, हम लोगों को वादा करते हैं कि आपके सुख दुख का साथी बनने का प्रयास करूंगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ। इधर आरा के कोइलवर थाना क्षेत्र के चनपुरा गांव के पास बढ़ारा के राजद विधायक सरोज यादव के सुरक्षाकर्मियों ने आईटीबीपी के जवान और उसके परिवार के साथ मारपीट की है। बताया जा रहा है कि जवान ऑटो से अपने नौकरी पर जा रहा था, तभी विधायक के यहां पर गार्डों से बकचक हो गई, बातचीत हुई और बात इतनी आगे बढ़ गई कि सुरक्षाकर्मियों ने जवान को बहुत बुरी तरीके से पीटा। आपको बता दें कि जवान पटना के आईटीबीपी हेडक्वार्टर में तैनात है। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे एंड्रॉइड लाइव टीवी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट newzone11.com पर क्लिक करके तमाम खबरों से अपडेट हो सकते हैं। फिलहाल इतना ही, बन रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ ऑन 11। नमस्कार। न्यूज़ 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।